क्या देख रहा है बेटा? ट्रैक्टर? हाँ दादू, ट्रैक्टर। हाँ बेटा, विदेशों में तो बहुत बड़े और अच्छे ट्रैक्टर्स चलते हैं। विदेशों में ही क्यों दादू, हमारे देश में भी बड़े और फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर चलते हैं। चलते ही नहीं दादू, अब तो बनते भी हैं। और फोर व्हील ड्राइव? जी देखिए। ट्रैक्टर दिखता तो अच्छा है बेटा, लेकिन ये फोर व्हील ड्राइव की बहुत परेशानियां हैं। परेशानियां? जैसे? एक हो तो गिनाओ ना बेटा, बहुत बड़ा तो है ही, महंगा भी बहुत है, तकनीक बेहद पेचीदा और मेंटेनेंस बहुत भारी, तेल तो बहुत ज्यादा खाता है और उसके अगले टायर की कीमत जानते हो, और बड़ा है तो छोटा मोड़ तो काट नहीं सकता। बस है? दादू बस जरा ठहरिए, आप तो भ्रम में जी रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ दादू, जो ट्रैक्टर आपने अभी देखा है ये फार्म ट्रैक का 50 एचपी का ट्रैक्टर है, जो भारतीय खेतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। 4x4 और बड़े बड़े काम करता है। अच्छा जी, देखिए। दादू विदेशी कंपनी के 55 एचपी के टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जितने महंगे आते हैं ना, उतने में फार्म ट्रैक का 50 एचपी का 4x4 ट्रैक्टर आता है। कहाँ महंगा हुआ? आप कहते हैं तकनीक पेचीदा है, अब आप बताएं, गांव का सोनू आपकी जीप ठीक करता है ना? हाँ करता है दादू, वो 4x4 है। और तो और जमाने से चले आ रहे हैं ऐसे ट्रक, आर्मी के टैंक कार सब 4x4 ही तो है, कहाँ पेचीदा है। अब आइए, लगे हाथों आपका टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव का भरम भी तोड़ ही देता हूँ। ये देखिए, टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में पावर सिर्फ पिछले दो पहियों में होती है, जिसके कारण उबड़ खाबड़ रास्तों में या फिर ज्यादा लोड पर ट्रैक्टर स्लिप मारता है और आगे से उठ भी जाता है, जिससे ड्राइवर की जान को भी खतरा होता है। मगर फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में अगर पीछे के टायर खड्डे में फंस जाते हैं तो आगे के टायरों में पावर होने की वजह से पूरा जोर लगाता है, जिससे ट्रैक्टर आराम से निकल जाता है। और इसका कारण है कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में पावर चारों पहियों में बराबर जाती है, जिससे ट्रैक्टर की जमीन पर ज्यादा पकड़ होती है और ट्रैक्टर की लोड खींचने की ताकत 15-20% बढ़ जाती है और इंजन से मिलने वाली पावर का हम पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। दादू अब तेल पीने वाली बात जरा डिटेल में समझिए, जरा 55-60 HP का कोई भी ट्रैक्टर और फार्म ट्रैक का 60-50, इसको कंपेयर कीजिए। रुकिए रुकिए, मैं दिखाता हूँ। देखा बेटा, कोई भी 60 हॉर्स पावर का टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जो इंप्लीमेंट चलाता है फार्म ट्रैक का 50 हॉर्स पावर का 4x4 ट्रैक्टर, उससे बड़ा इंप्लीमेंट बड़ी आसानी से चला सकता है। अगर दोनों का एक घंटे का खेत में काम देखें तो 60 हॉर्स पावर के टू व्हील ड्राइव ने किया 3.51 एकड़ और फार्म ट्रैक 60-50 4x4 ने किया 4.258 एकड़, जो कि लगभग 10-15% ज्यादा काम है। और अगर तेल की खपत को देखें तो 60 हॉर्स पावर के टू व्हील ड्राइव ने लिया 1 एकड़ में 1.75 लीटर और 4x4 ने लिया 1 एकड़ में 1.5 लीटर। अगर 1 साल या 1000 घंटे का काम देखें तो 60-50 4x4 लगभग 20% ज्यादा काम कर रहा है और 15% तेल की बचत है, जो कुल मिलाकर 1 साल में 65,000 रुपए की तेल की ही बचत है। बचा ना तेल दादू, ये अब भी आप कहेंगे तेल पीता है। पर बेटा, अरे दादू याद है, आप महंगे टायर की बात करेंगे। दादू जो टायर स्लिप नहीं मारता वो घिसता भी तो नहीं है। एक आम ट्रैक्टर का टायर हर साल बदला जाता है, इसके 4x4 होने से स्लिपेज नहीं होती और 3 साल पर बदला जाता है। अब बताएं, टायर महंगा है क्या?
तेरी सब बात ठीक है बेटा, लेकिन बड़ा टायर छोटा मोड़ काट सकता है दादू। ये भी आप मेरे लैपटॉप पर ही देख लीजिए, देखिए आगे वाले पहियों में पावर होने के कारण ये ट्रैक्टर स्टीयरिंग से ही टू व्हील ड्राइव के मुकाबले ज्यादा आसानी से कम जगह में मोड़ काट लेता है, जबकि टू व्हील ड्राइव में वही मोड़ ब्रेक लगा के लिया जाता है, वरना मोड़ और बड़ा भी हो जाता है। अब दूर हो गए ना सारे वहम, पेचीदा तकनीक, बड़ा ट्रैक्टर, तेल की खपत और छोटे मोड़। बेटा सारे वहम दूर हो गए, लेकिन बेटा ये सब तो तुम मुझे इस लैपटॉप पर दिखा रहे हो ना, हम भरोसा कैसे करें? और कोई ऐसा बोले जिसने इसका इस्तेमाल किया हो तो समझ में, तो भरोसा हो। हाँ अगर ऐसा है तो जान लेते हैं कुछ लोगों से जिन्होंने फार्म ट्रैक का 60-50 4x4 ट्रैक्टर लिया है। ठीक है। वैसे तो मैंने गन्ने की ट्रॉली निकाली थी जो खेत में फंस जाती थी, वो अब यही गांव के 3-4 ट्रैक्टर बुलाने पड़ते थे, अब ये अकेला ही निकलता है। मुझे बहुत फायदा हुआ है इसका, बहुत अच्छा मुड़ता है, बड़े आराम से मुड़ता है, और जॉन डीयर ट्रैक्टर वो भी इतने का है, और 4x4 इसका बहुत फायदा है, तेल ज्यादा नहीं खाता, चलाने में भी बढ़िया है, जैसे गाड़ी चलती है वैसे ही चलता है। ये 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, जो मार्केट में है उससे 1,00,000 रुपए कम है। प्रत्येक एकड़ पर 2 लीटर तेल की बचत है, रोज 15 एकड़ में काम कर रहा हूँ, ये 15×30 लीटर की बचत है, ये 60-50 आने के बाद पैसे की बचत हो रही है और हम हर तरफ से हैप्पी हैं। इससे काम करने से खेत एक लेवल पर रहता है। ये गाड़ी लेने के बाद बिल्कुल रिस्क नहीं है, दूसरी गाड़ी लेने से मैं भी टेंशन में और मेरे पिताजी भी, पर इसमें सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। ऑलरेडी मेरे गाँव में काफी नुकसान हुआ है, लोग मर भी गए हैं, और मैंने अभी तक 300 एकड़ में काम किया है, अभी और 200 एकड़ काम करने का टारगेट है। इसी की वजह से हमारा प्रॉफिट है, इस सीजन में मेरा अमाउंट मेरे को आ गया, और क्या चाहिए? इसको ये नहीं मालूम कि मेरे पीछे कितना हैवी कल्टीवेटर लगा है या रोटीवेटर बड़ा है या छोटा है, इतनी पावर है इसमें। जैसे सिंपल ट्रैक्टर मोड़ काटता है, ये उससे भी अच्छा मोड़ काटता है। पूरे 4 किले घंटे में कल्टीवेशन करता है, और पूरे ट्रिलर लगा के जितने हम लगा सकते हैं। फायदा यही है 4 व्हील का, ये स्लिप नहीं मारता। जो इसका फ्रंट एक्सल है बहुत हैवी है, उठता नहीं है, दूसरे ट्रैक्टर उठ जाते हैं, हमें आगे वेट रखना पड़ता है या 2-4 बंदे या मिट्टी की बोरी रखनी पड़ती है। बहुत सहूलियत है पावर स्टीयरिंग का, मालूम ही नहीं चलता कि चक्के बड़े हैं या स्टीयरिंग भारी है, बहुत बढ़िया मोड़ काटता है। बड़े ट्रैक्टर 60 हॉर्स पावर के 4 व्हील में लें या 70-75 हॉर्स पावर के लें, ये आम किसान के बस की बात नहीं, दूसरे 50 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टरों के मुकाबले इसका 4 व्हील का जो रेट है दूसरों के 2 व्हील के बराबर है। कंपनी का हम थैंक यू करना चाहेंगे कि किसानों के लिए इतना बढ़िया ट्रैक्टर बना के दिया। सर इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है मुझे, पहली बात मेरा 4x4 का ट्रैक्टर है जो यहाँ किसी और के पास नहीं है, मार्केट में बाकी ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, हाइड्रोलिक है जैसे कि जॉन डीयर ट्रैक्टर है, जब इंजन की RPM कम होती है तो मोड़ने में दिक्कत होती है, जब हम कटाई करते हैं तो वो कहीं कहीं फंसता है, ये बिल्कुल नहीं फंसता। इसकी RPM चाहे 5 पे हो या 7 पे, ये बड़े आराम से मोड़ काटता है। पहले मोड़ पे मुझे ब्रेक मारनी पड़ती थी या लिफ्ट उठानी पड़ती थी, इससे मेरा लिफ्ट और पंप घिसता था, ब्रेक लेदर भी घिसता था, टायर भी घिसता था। अब क्या है, मुझे सिर्फ मोड़ पे जाके स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है और कुछ नहीं करना, इससे मेरा ब्रेक लेदर घिसना कम हो गया है। और भी कई फायदे हैं जो आपके सामने हैं, बता भी चुका हूँ। टायर घिसना तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, सलाह लेने की जरूरत ही नहीं है, अपनी कंट्री में ट्रैक्टर बन रहा है, कितना बेनिफिट है। बाकी रही कीमत की बात, दूसरे ट्रैक्टर 45 हॉर्स पावर जॉन डीयर जो हमें मिल रहा है वो फार्म ट्रैक से 1,00,000 रुपये महंगा है। ये 8 फीट का पैडलर है जो हमारे आदमी ने इसके लिए सजेस्ट किया, फार्म ट्रैक 60-50 से मोड़ अच्छा काट सकते हैं और एक ही आदमी से काम खत्म होता है। इस 60-50 4x4 से खेत में डायरेक्ट जाके काम कर सकते हैं, जबकि टू व्हीलर से नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ 4 एकड़ में काम किया और दूसरे खेत में जाना है तो इस ट्रैक्टर का रोटा पार्टलर पीछे ऊपर लगा कर बाई रोड आराम से जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है इसको टाइम भी ज्यादा लगता है और पक्की जमीन पे स्लिप भी मारता है, ये 4x4 से हमारा टाइम बचता है, और कभी जरूरत पड़ती है दूसरा ट्रैक्टर बुलाने की तो हमको जरूरत नहीं, 4x4 लगाओ और मजे से काम करो। हम लोगों की फंसी हुई ट्रॉलियां भी निकालने जाते हैं, हम जाते हैं और कहते हैं कि अपना ट्रैक्टर उतारो और हमारा ट्रैक्टर लगाओ, फार्म ट्रैक लगाओ और देखो कि ट्रॉली कैसे भागती है, फिर वो अकेले ही खींच के ले जाता है, फिर लोग बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि हम भी ऐसा ही लेंगे।
भाई नए जमाने का नया फार्म ट्रैक 60-50 4x4 पसंद आया तो फिर? तो बेटा बेच दे पुराना ट्रैक्टर और चल लेने नया फार्म ट्रैक 60-50 4x4। ये नए जमाने की नई टेक्नोलॉजी फार्म ट्रैक 60-50 4x4।